नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपके 12 बायोलॉजी का पहला अध्याय जीवों में जनन का एनसीईआरटी क्वेश्चन का आंसर। बच्चों, हम सबों को ये बात पता है कि जो एनसीईआरटी का बुक होता है उसके अंत में कुछ प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं, और वो प्रश्न उत्तर जो है आपके 12 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक होता है। और आपका जो पहला अध्याय है जिसका नाम है जीवों में जनन, इस अध्याय में कुल मिलाकर के 18 एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए गए हैं, और हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। और चूंकि जो आपका संडे को टेस्ट है उस टेस्ट में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आंसर को शामिल किया गया है, इसीलिए इसका डिस्कशन करना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला अध्याय जीवों में जनन का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है उसके संदर्भ में हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर भी लिखा हुआ है, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी में इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जो आंसर लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा हम हट करके मैं आपको आपके अपने भाषा में, जो कि एक बार में आपको समझ में आ जाए उस भाषा में मैं इसका आंसर करवाऊंगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। देखिए, जीवों के लिए जनन इसलिए अनिवार्य होता है कि क्योंकि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं कोई भी जीव अमर नहीं है। कोई भी जीव क्या है? अमर नहीं है। अमर नहीं है का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक जीव की यहाँ पर उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है, और एक निश्चित समय अवधि के बाद उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी जीव जन्म लिए हैं, कुछ जीव को छोड़कर, जैसे मान लो एक्सेप्शन में एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अपवाद में, उसको अगर हम छोड़ दें तो इसके बाद दुनिया में जितने भी जीव हैं कोई भी जीव अमर नहीं है। तो होता क्या कि ये जीव एक निश्चित समय के बाद इनकी मृत्यु होगी, अतः इस प्रकार के जितने भी जीव हैं अपने प्राकृतिक मृत्यु से पहले अपने ही जैसे नई संतति को उत्पन्न करते हैं ताकि हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में क्या हो, उनकी जो प्रजाति है वो बना रहे। इसीलिए जीवों के लिए जनन अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए हम लोग का अगर यहाँ पर ये यह होगा कि खाना खाना क्यों अनिवार्य है, खाना हम लोग इसलिए खाते हैं कि हमारे शरीर में एनर्जी आती है। इसीलिए किसी भी जीव के लिए जनन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई भी जीव इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, उनका जन्म हुआ है और एक निश्चित समय के बाद उसकी मृत्यु होगी, अतः वे अपने प्राकृतिक मृत्यु से पहले अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं ताकि उसकी जो प्रजाति है वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में बनी रहे। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवों के लिए जनन जो है वो अनिवार्य है। प्रत्येक जीवों के लिए जनन क्या है? अनिवार्य है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपने समझ गया होगा। हमारा दूसरा सवाल है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। देखिए, आप सबों को पता होगा कि जनन की मुख्य रूप से दो विधियां होती है, एक अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है हमारा लैंगिक प्रजनन। यानी जनन की जो है मुख्य रूप से दो विधि होती है, एक अलैंगिक प्रजनन और दूसरा लैंगिक प्रजनन, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों टाइप्स में से अगर हम बात करें कि जनन की कौन सी विधि अच्छी है, तो जनन की जो अच्छी विधि होगी वो होगा लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर एक आंसर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप फिर से पूछ रहा कि आखिर लैंगिक प्रजनन अगर जनन की अच्छी विधि है तो ये क्यों है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि लैंगिक जनन वाले जो जीव होते हैं उसमें विभिन्नता और अनुकूलन क्षमता पाया जाता है। याद रखिएगा, लैंगिक प्रजनन वाले जो जीव होते हैं इसमें जीन का क्या होता है कि स्थानांतरण होते रहता है, और जब जीवों में जीन का स्थानांतरण होता है तो इससे जो उत्पन्न जीव होते हैं उसमें विभिन्नता और अनुकूलन क्षमता पाई जाती है। ये विभिन्नता और अनुकूलन क्षमता इस प्रकार के जीव की जो जनसंख्या होती है ना उसमें ओज शक्ति और उसके जीवन जीने की शक्ति को बढ़ा देती है, और साथ ही साथ
जितने भी लैंगिक प्रजनन वाले जीव होते हैं वे अपने अंदर इस वेरिएशन वाले गुण के कारण किसी भी बदलती हुई परिवेश में अपने आप को जीवित रखने में सक्षम हो पाते हैं। तथा हम कह सकते हैं कि जनन की जो अच्छी विधि होती है वो लैंगिक प्रजनन होता है। याद रखिएगा कि जनन की अच्छी विधि कौन सी होगी, तो जनन की अच्छी विधि होगी लैंगिक प्रजनन। अगर आप नहीं समझे होंगे तो निश्चित रूप से इसको फिर से पीछे कर लीजिए 10 सेकेंड 20 सेकेंड और इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। चलिए हमारा जो अगला सवाल है वो तीसरा नंबर है। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को कोलोन क्यों कहते हैं। मैं आपको थ्योरी में बताया होगा, बताया था कि कह रहा कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को, मतलब जिन जीवों का जन्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से होता है, तो उस प्रकार के जीव को हम लोग कोलोन क्यों कहते हैं, उस प्रकार के जीव को हम लोग कोलोन क्यों कहते हैं। तो ये बहुत ही जी सवाल है कि जो अलैंगिक प्रजनन वाले जीव होते हैं उनसे जो उत्पन्न संतति होती है वो अपने आकार में, संरचना में या फिर अन्य लक्षणों के आधार पर हूबहू अपने जनक के समान होते हैं, अपने जनक के फोटोकॉपी होते हैं। मतलब जिस प्रकार का जनक होता है उसी प्रकार की हूबहू उसकी संतति हो जाती है। तो अतः इस प्रकार के जो जीव होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जितने भी जीव होते हैं वे आकार में, संरचना में या फिर अन्य लक्षणों के आधार पर हूबहू अपने जनक के समान होते हैं, इसलिए इस प्रकार के जीव को हम लोग कोलोन कहते हैं। इस प्रकार के जीव को हम लोग क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अलैंगिक प्रजनन वाला जो जीव है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलोन बोलेंगे। अगला सवाल हमारा है बोर्ड पे, उसको ध्यान से समझेंगे। कह रहा लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर प्रदान होते हैं क्यों, क्या यह कथन हर समय सही होता है। तो याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप अगर किसी जीव की उत्पत्ति लैंगिक प्रजनन के माध्यम से हो रही है तो क्या उसके उसका जीवित रहने की जो संभावना है वो अधिक होगी। अगर ऐसा है तो क्या ये बातें हमेशा सही होती है, इसके बारे में बताना। तो याद रखिए कि जो लैंगिक जनन का वाला जो जीव होता है वास्तव में उसके जीवित रहने के अच्छे अवसर इस दुनिया में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि जो लैंगिक प्रजनन वाले जीव होते हैं बच्चे उसमें क्या होता है कि विभिन्नता और अनुकूलन क्षमताएं पाई जाती है। इनके शरीर में जो होता है दो अलग-अलग जीन का समायोजन होता है जिसके कारण ये जो वेरिएशन है या फिर ये जो एडेप्टेशन है या जीवों को क्या करता है कि किसी भी बदलती हुई परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो लैंगिक जनन वाले जीव होते हैं इस दुनिया में उसके जीवित रहने की संभावना काफी अधिक होती है, क्योंकि अगर हमारे पृथ्वी पर जलवायु भी परिवर्तन होगा तो हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, उसके अनुरूप अपने आप को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल सकते हैं। तो जिसके कारण ये हो जाएगा कि जो लैंगिक जनन वाले जीव होंगे उसके जीवित रहने की संभावना इस दुनिया में सबसे अधिक होगी। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा कि ग्लोबिंग वार्मिंग हो रहा है, बहुत सारी जो प्रजातियां हमारे पृथ्वी पर से विलुप्त हो रही है, लेकिन जो लैंगिक प्रजनन वाले जीव होते हैं उनकी तुलना में अलैंगिक प्रजनन वाले जीव पर बदलती हुई परिवेश का काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लैंगिक प्रजनन वाले जीवों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जितना प्रभाव अलैंगिक प्रजनन वाले जीवों पर बदलती हुई परिवेश का पड़ेगा उतना प्रभाव लैंगिक प्रजनन वाले जीवों पर बदलती हुई परिवेश का नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी लैंगिक प्रजनन वाले जीव होते हैं उसके जीवित रहने की संभावनाएं काफी अधिक होती है, और यह कथन जो है हर हमेशा बिल्कुल सही होगा, या जो कथन है ये हमेशा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। देखिए भिन्न तो कई प्रकार से है,
इसके जस्ट बाद जो हमारा छठा सवाल आएगा उसमें दोनों मंत्र पूछेगा। तो इसका आंसर आया हो रहा कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति एक दूसरे और अपने जनक के समरूप होते हैं। इसके विपरीत जो लैंगिक प्रजनन वाले जीव होते हैं उसका जो संतति होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होंगे, समझे ना, और वो अपने जनक के समरूप नहीं होंगे। तो ये हमारा जो है पहला हो गया इसमें अंतर। पहला अंतर क्या हुआ, देखिए कह रहा कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर। तो जितने भी अलैंगिक प्रजनन वाले जीव होंगे वो हूबहू अपने जनक के फोटो कॉपी होंगे, मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, इसी कारण से इसको कोलोन कहेंगे। लेकिन जो लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जीव होंगे वो कभी भी दो प्राणी कभी भी एक जैसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करते हैं, बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि इस दुनिया में आपके जैसे जैसे सात व्यक्ति हैं, इस भ्रम में नहीं रहिए, उसका जो चेहरा है वो आपसे मिलजुल सकता है। यहाँ तक सही बात है, हमारे भी चेहरे बहुत सारे होंगे इस दुनिया में, लेकिन अगर हमारा डीएनए और उन जीवों का डीएनए करवाया जाएगा तो बिल्कुल उसमें अंतर देखने को मिल जाएगा, कोई ना कोई वेरिएशन उसमें देखने को मिलेगा सब। तो ध्यान रखिएगा जो लैंगिक प्रजनन वाले जीव होंगे वो कभी भी एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं होंगे, लेकिन जो अलैंगिक प्रजनन वाले जीव होंगे वे अपने जनक के हूबहू फोटोकॉपी होंगे। तो ये हमारा जो है पहला क्या हो गया, दोनों में अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति आकार संरचना एवं अन्य सभी लक्षणों के आधार पर हूबहू अपने जनक के समान दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण इन्हें कोलोन कहा जाता है। जबकि जो लैंगिक प्रजनन वाले जीव होते हैं वो आकार में संरचना में या फिर अनुवांशिक रूप से अपने जनक से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब अगर कोई ये कह रहा कि ये 100% अपने पिता पे गया है तो बिल्कुल ये बात गलत होगा। कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों जनकों में से किसी एक पे नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी लैंगिक प्रजनन में जिन भी जीवों की उत्पत्ति होती है उसमें उनके दोनों जनक यानी उनके माता और पिता दोनों का गुण आता है। लेकिन जो अलैंगिक प्रजनन वाले जीव होते हैं चूंकि उसमें एक ही जनक है तो 100% अपने जनक वाला जो है लक्षण उनकी संतति में आ जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर दूसरा इसका लक्षण हो गया। नेक्स्ट हमारा सवाल है, अब वही सवाल है जो मैंने अभी तुरंत बताया। अब यहाँ पर थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल है कि अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के बीच अंतर बताइए, और फिर कह रहा कि कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों कहा जाता है। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला जो हमारा सवाल है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के बीच अंतर बताइए, तो पहले हम लोग अंतर देख लेंगे और उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर आपको जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहे, कुछ बच्चे हमारे कमेंट्स में भी लिखे थे ऑब्जेक्टिव में, सर आपने पहला अध्याय खत्म कर दिया है लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच में अंतर क्या है। तो मैंने उसको बताया था कि हम जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर हम इसको बताएंगे। तो देखिए अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के बीच में क्या अंतर होता है। तो पहला जो अंतर है वो ये है कि इसमें एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मतलब इसका मतलब हुआ कि अलैंगिक प्रजनन एक वैसी विधि होती है जिसमें केवल और केवल सिंगल पेरेंट्स के माध्यम से मतलब एक जनक के माध्यम से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इसका जो पहला हो गया कि अलैंगिक प्रजनन एक वैसा प्रजनन होता है जिसमें केवल और केवल एक ही जीव के माध्यम से नई संतति उत्पन्न हो सकती है, एक ही जीव के माध्यम से नई संतति उत्पन्न हो सकती है। तो इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा इधर कि जो लैंगिक प्रजनन होंगे इसमें प्रायः दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेंगे जिसमें से एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा, एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। तो मेल और फीमेल
दोनों के माध्यम से नए जीव की उत्पत्ति होगी, एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा, दोनों के माध्यम से नए जीव की उत्पत्ति होगी। दूसरा, जो अलैंगिक जनन होंगे इसमें कलिका, शरीर खंडन, बीजाणु निर्माण, कोनेडिया, जेम्यूल्स इत्यादि के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होगी। क्योंकि जो भी अलैंगिक प्रजनन होते हैं उसमें आपको पता ही है कि बर्ड निकलता है, बर्ड से नए जीव की उत्पत्ति होती है, जीवों का शरीर जो है वो कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, उससे नए जीव की उत्पत्ति होती है, स्पोर बनते हैं उससे नए जीव की उत्पत्ति होती है, कोनेडिया का निर्माण होता है, जेम्यूल्स बनते हैं, इन सभी माध्यमों से अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है आपको अलैंगिक प्रजनन की विधि होती है। जबकि जो हमारा लैंगिक प्रजनन होता है इसमें युग्मक बनते हैं, और युग्मक अगर पेड़ पौधे में बात करेंगे तो परागकण और अंड कोशिका, अगर मनुष्य में बात करेंगे तो स्पर्म और ओवा, और यही दोनों युग्मक के मिलने से जायगोट बनते हैं और उस जायगोट से नए जीव की उत्पत्ति होती है। यानी अलैंगिक प्रजनन में अगर प्रजनन बन रहा है तो उसमें बर्डिंग हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, एस्पोर्स बन रहे हैं, कोनेडिया बन रहे हैं, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से जीव की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन जब लैंगिक प्रजनन की बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें गैमेट्स बनेंगे, और गैमेट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट, इसके माध्यम से नए जीव की उत्पत्ति होगी। तीसरा, अलैंगिक प्रजनन में क्या रहा है कि युग्मनज की प्रक्रिया नहीं होती, मतलब इसमें जायगोट नहीं बनते हैं, चूंकि जो भी अलैंगिक प्रजनन वाले जो जीव है इसमें जायगोट नहीं बनते, जबकि हमारा जो लैंगिक प्रजनन वाला जीव होता है इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर के जायगोट बना लेते हैं, और उस जायगोट से भ्रूण बनता है, और उस भ्रूण से नए जीव की उत्पत्ति होती है। अगर हम चौथा बात करें तो जो अलैंगिक प्रजनन वाले जीव होते हैं इसमें संलयन की प्रक्रिया नहीं होती। संलयन मतलब क्या, कि इसमें क्या बोलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते ही नहीं, क्योंकि इसमें युग्मक का निर्माण होता ही नहीं, तो जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो इसमें संलयन की क्रिया नहीं होती है। जबकि इसके जस्ट विपरीत अगर हम लैंगिक प्रजनन की बात करेंगे तो इसमें स्पर्म और ओवा यानी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संलयन कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संलयन बोले। पांचवा, अगर हम बात करें तो अलैंगिक प्रजनन जो होता है उसमें समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। याद रखिएगा, जो हमारा अलैंगिक प्रजनन होता है इसमें समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है, जबकि लैंगिक प्रजनन जो होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर हम नेक्स्ट अंतर की बात करें तो जो हमारा अलैंगिक प्रजनन होता है इसके द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है वे आकार में, संरचना में या फिर अन्य सभी लक्षणों के आधार पर हूबहू अपने जनक के समान होते हैं, जबकि इसके विपरीत जब हम लैंगिक जनन की बात करेंगे तो इसके द्वारा उत्पन्न जो संतति होती है ना वो अपने जनक से भिन्न होते हैं, और इसमें विभिन्नता और अनुकूलन क्षमता पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे 7वां नंबर, तो जो लैंगिक प्रजनन होता है इसका वृद्धि और विकास काफी तेजी से होगा, लेकिन जो हमारा लैंगिक प्रजनन होगा, क्योंकि जो अलैंगिक प्रजनन होगा इसका वृद्धि और विकास काफी तेजी से होगा, लेकिन हमारा जो लैंगिक प्रजनन होगा इसका वृद्धि और विकास धीमा होगा, इसका वृद्धि और विकास धीमा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप आलू को अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया से उपजाते हैं तो मात्र 3 महीने के अंदर आपको फल का उत्पादन हो जाएगा, लेकिन जब इसी आलू को आप बीज के माध्यम से यानी लैंगिक प्रजनन के द्वारा उगाते हैं तो इसमें लगभग 1 से 1.5 वर्ष का समय लग जाता है, जिससे ये पता चलता है कि लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया में क्या होता है, वृद्धि और विकास, सॉरी, और लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में वृद्धि और विकास काफी तेजी से होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में वृद्धि और विकास इसकी तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट में से आप किसी पॉइंट्स को लिख सकते हैं, एक दो अगर भूल भी गए तो आपका काम बन जाएगा। अब तो यहाँ पर ये हो गया कि अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच अंतर। अब इसी प्रश्न में हमारा आधा और प्रश्न है कि कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है। देखिए, कायिक जनन का मतलब होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन का मतलब होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब किसी पौधे की उत्पत्ति पुष्प को छोड़कर बाकी सभी भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां और पत्र परकलिका से होती है, तो इस प्रकार के प्रजनन को हम लोग बोलते हैं कायिक प्रजनन या कायिक प्रजनन। अब चूंकि जब किसी जीव की उत्पत्ति जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों द्वारा और पत्र परकलिका द्वारा होगा, तो ये हमारा क्या होगा? अलैंगिक प्रजनन होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन भी कह सकते हैं। तो आधा क्वेश्चन इसके बाद आप इसको नीचे में लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो ये छठा सवाल है वो समाप्त होता है, उसी का है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कायिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। देखिए मैं अभी तुरंत चर्चा कर दिया, कायिक प्रबंधन या फिर इसको वर्धी प्रजनन, और अंग्रेजी में हम इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि कायिक प्रजनन का मतलब होता है कि एक पुष्प में जब, सॉरी, एक पौधों में जब जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों द्वारा या फिर पत्र परकलिकाओं के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो रही है, नए जीव का निर्माण हो रहा है, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग वेजिटेटिव या कायिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। यानी एक पौधों में कुल मिलाकर के पांच अंग होते हैं मुख्य रूप से, और इन पांच अंग में से अगर पुष्प को छोड़ दें तो बाकी जो चार अंग बच जाते हैं, जिसमें जड़, तना, पत्तियां और पत्र परकलिका को शामिल किया गया है, अगर इनके माध्यम से नए जीव की उत्पत्ति हो रही है, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग कायिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। अब फिर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो उदाहरण दीजिए, तो दो उदाहरण यहाँ पर आपको आलू और अदरक हो सकता है, आलू और अदरक हो सकता है। आलू एक भूमिगत कंद, इसको हम लोग कंद बोल सकते हैं, और ये जो हमारा है परकंद का उदाहरण हो सकता है। यानी आलू जो है ये कंद का उदाहरण है, और हमारा ये जो अदरक है ये परकंद का उदाहरण, और ये दोनों के दोनों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एक उदाहरण। चूंकि दो उदाहरण पूछ रहा है, तो एक आप आलू को उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं और दूसरा एग्जाम्पल जो है आप अदरक को ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आठवां नंबर सवाल है, कह रहा कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए का मतलब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसका आपको व्याख्या करना है। क्या क्या है? पहला है किशोराचरण, दूसरा है प्रजनक चरण, और तीसरा है जीर्णता चरण या जीर्णो अवस्था। देखिए ये तीनों के तीनों जो हैं ये महिलाओं की अवस्था है, मतलब महिला का जो जीवन होता है उसकी एक अवस्था है। अब जैसे पहला हमारा किशोराचरण, किशोराचरण का मतलब होता है कि जब फीमेल यानी मादा मनुष्य में, जब फीमेल में मासिक चक्र की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, मैंने जब किसी महिला में मासिक चक्र की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं किशोराचरण। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? किशोराचरण। जैसे कोई भी फीमेल का जन्म हुआ और ये अपने जन्म से लेकर के 11 से 14 वर्ष की आयु के बीच में जब रहती है, तो इनमें मासिक चक्र की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती है, तो इस स्टेज को हम लोग किशोराचरण के नाम से जानते हैं। अब दूसरा है प्रजनक चरण। जब कोई महिला 11 से 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करती है, तो इनके जननांग से ब्लड का स्राव होने लगता है, और यह ब्लड का स्राव जो है ये लगातार जो है ना आपको होते रहता है, और इस ब्लड के स्राव के कारण उसमें प्रजनन क्षमता आ जाती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रजनन चरण। यह अवस्था 11 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होती है और लगभग 40 से 50 वर्ष की आयु तक चलते रहती है। अलग अलग किताब में आपको अलग अलग इसके टर्म देखने रहेंगे, कहीं आपको 45 से 50 मिलेगा तो कहीं 50 ही लिखा रहता है। तो ये आपको औसत याद रखना है कि जब महिलाओं में मासिक चक्र की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जब तक ये मासिक प्रक्रिया चलती रहती है जिस आयु तक, उन पूरी आयु को हम लोग प्रजनक चरण के नाम से जानते हैं। चूंकि इस दौरान महिलाएं क्या करती है, प्रत्येक महीना अपने ब्लड का स्राव करती है जननांग में, और उस ब्लड के स्राव के बाद ओभा का उत्सर्जन होता है, और ओभा स्पर्म जब मिल जाएगा तो वहां पर प्रेगनेंसी की स्थितियां बन जाती है। इसीलिए इस स्टेज को हम लोग प्रजनक चरण के नाम से जानते हैं। हमारा जो तीसरा चरण है इसको बोलते हैं जीर्णो अवस्था।
देखिए, जब किसी महिला की आयु 40 से 50 वर्ष पार कर जाती है तो उनमें मासिक चक्र की प्रक्रिया स्वतः ही बंद हो जाती है, और जब महिलाओं में मासिक चक्र की प्रक्रिया बंद हो जाती है तो वे बच्चे पैदा करने में असक्षम हो जाते हैं। तो इस स्टेज को हम लोग जीर्णोवस्था के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इस स्टेज को हम लोग जीर्णोवस्था के नाम से जानते हैं। इस स्टेज को हम लोग जीर्णोवस्था के नाम से जानते हैं। तो आपने समझ में आई होगा कि तीन यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, एक किशोराचरण, दूसरा प्रजनक चरण और तीसरा जीर्णोवस्था। किशोराचरण का मतलब होता है कि जब महिलाओं में मासिक चक्र की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो उस स्टेज को हम लोग किशोराचरण कहते हैं। जब महिलाओं में मासिक चक्र की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उस स्टेज को हम लोग प्रजनक चरण कहते हैं, और फिर जब महिलाओं में मासिक चक्र की प्रक्रिया बंद हो जाती है तो उस स्टेज को हम लोग जीर्ण अवस्था के नाम से जानते हैं। ये तीनों के तीनों जो स्टेज हैं वो फीमेल में पाए जाने वाला एक स्टेज है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। देखिए, हमारा जो 9 नंबर सवाल है वो ये है कि कह रहा है कि अपनी जटिलता के बावजूद भी बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को ही अपनाया क्यों। मतलब क्वेश्चन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो लैंगिक प्रजनन होते हैं वो जटिल है, सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी जटिलता के बावजूद भी बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को ही क्यों अपनाया। यानी जितने भी उच्च वर्गीय प्राणी हैं उन्होंने क्या किया है कि लैंगिक प्रजनन को ही अपनाया। तो क्यों अपनाया, इसके पीछे का क्या कारण है, तो ध्यान रखिए, कह रहा कि लैंगिक जनन और लैंगिक जनन की तुलना में काफी जटिल होता है और इसकी जो प्रक्रिया होती है वह भी काफी धीमी होती है, और इस प्रक्रिया में आपका ऊर्जा का भी अधिक उपयोग होता है और इसके लिए हमें कई स्रोत की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद भी जितने भी बड़े उच्च वर्गीय प्राणी हैं उन्होंने क्या किया है कि लैंगिक प्रजनन को ही अपनाया, इसके पीछे का क्या कारण। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है उसमें विभिन्नता और अनुकूलन क्षमता पाई जाती है, और यह विभिन्नता और अनुकूलन क्षमता क्या होता है कि जीवों को किसी भी बदलती हुई परिवेश में जीवित रखने में सहायक होता है। तो अतः जितने भी बड़े जीव हैं वो जटिलता के बावजूद भी क्या क्या है, लैंगिक प्रजनन को अपनाया। कभी कभी क्या होता है, जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि आपके घर में भी एक होटल है और आपके घर से 5 किलोमीटर दूर भी एक होटल है, लेकिन आपके घर के अधिकांश सदस्य 5 किलोमीटर दूर वाले होटल में जाकर के खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर से जो 5 किलोमीटर दूर होटल है वहां पर अच्छा खाना मिलता होगा, वहां का जो सुविधा होगा वो काफी अच्छा होगा। तो यही बात यहाँ पर है कि जटिलता के बावजूद भी बड़े जीवों ने क्या किया है, लैंगिक जनन को अपनाया। क्यों अपनाया, क्योंकि हमको पता है कि लैंगिक जनन और लैंगिक जनन की तुलना में काफी धीमा होता है, इसमें कई स्रोत की आवश्यकता होती है, इसमें ऊर्जा का भी खपत काफी अधिक होता है। लेकिन इन सभी समस्याओं के बावजूद भी जितने भी बड़े जीव हैं उन्होंने लैंगिक प्रजनन को अपनाया है, इसलिए क्योंकि लैंगिक प्रजनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होता है उसमें विभिन्नता और अनुकूलन क्षमता पाई जाती है, और यह विभिन्नता और अनुकूलन क्षमता इस प्रकार के जीवों को किसी भी बदलती हुई परिवेश में जीवित रखने में सक्षम होता है। साथ ही साथ इस प्रकार के जीव की जो जनसंख्या होती है उसमें जीवन अवधि और उसका जो जीवन ओज होता है वो काफी अधिक बढ़ जाता था। जितने भी बड़े जीव हैं वे अपनी जटिलता के बावजूद भी क्या किया, लैंगिक प्रजनन को अपनाया है। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए, हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन, कह रहा है कि व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। देखिए, कह रहा कि अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक जनन मतलब मतलब युग्मकों की बनने की प्रक्रिया, यह हमेशा क्या होता है, आपस में संबंध रखता है। तो क्यों, कैसे संबंध रखता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहा कि लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। इस बात को हमको पता है कि जितने भी लैंगिक प्रजनन वाले जीव हैं जब वो प्रजनन करते हैं तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन
और युग्मक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। याद रखिएगा, जितने भी लैंगिक जनन वाले जीव होते हैं उसमें प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जो जीव होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित मैंने क्या, कि चूंकि जितने भी लैंगिक प्रजनन वाले जीव होते हैं उसमें दो प्रकार के युग्मकों का क्रोमोसोम पाया जाता है। जैसे अगर हम मनुष्य की बात कर लेंगे तो हमारे अंदर कुल मिलाकर के 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से 23 क्रोमोसोम हमारे माता के द्वारा आया है और 23 क्रोमोसोम जो है वो हमारे पिता के द्वारा है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या है, द्विगुणित क्रोमोसोम है। क्या है, द्विगुणित क्रोमोसोम है। इसमें युग्मक निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, यानी जितने भी लैंगिक प्रजनन वाले जीव होते हैं इसमें अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो किसके द्वारा होता है, सॉरी, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात इसमें जो युग्मक बनते हैं, जैसे मान लो कि मनुष्य है, मनुष्य में एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा, मेल में मेल गैमेट बनेगा और फीमेल में हमारा फीमेल गैमेट बनेगा, तो मेल गैमेट में भी क्या होगा कि उसके जो जायगोट होंगे उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी और जो फीमेल गैमेट होंगे उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाएगी। तो यानी इन सभी चीजों से पता चलता है कि अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक जनन दोनों क्या है, आपस में अंतर संबंधित है। जैसे मान लीजिए, इसको आप कह सकते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मैट्रिक परीक्षा देगा तो फिर वो इंटर के लिए कैपेबल हो जाएगा, तो वही बात यहाँ पर है कि जितने भी लैंगिक प्रजनन वाले जीव होते हैं, याद रखिएगा, उसमें दो प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। ये दोनों युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या आधी 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 होती है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है, और ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं युग्मक जनन। तो युग्मक जनन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है। चूंकि अर्धसूत्री विभाजन का मतलब हुआ कि युग्मकों में आधा आधा क्रोमोसोम का आना, और युग्मक जनन का मतलब होता है कि युग्मकों का बनना। तो ये हमेशा क्या होगा, एक दूसरे से अंतर संबंधित होंगे, ये दूसरे से हमेशा क्या होगा, अंतर संबंधित होंगे। याद रखिएगा, ये एक दूसरे से हमेशा अंतर संबंधित होंगे। अब यहाँ पर एक लिस्ट है, ध्यान से देखिए, और इस लिस्ट में हमको बताना ये है कि कौन सा अगुणित है। याद रखिए, कौन सा अगुणित है और कौन सा इसमें द्विगुणित है, कौन सा अगुणित है और कौन सा द्विगुणित है। याद रखिए, अगुणित का मतलब एन और द्विगुणित का मतलब, द्विगुणित का मतलब 2n। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी उसे हम लोग बोलेंगे अगुणित, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी उसे हम लोग बोलेंगे अगुणित, और जिसमें क्रोमोसोम की संख्या दुगुनी होगी उसे हम लोग बोलेंगे द्विगुणित, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या दुगुनी होगी उसे हम लोग बोलेंगे द्विगुणित। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दिए और एक चीज मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, सुनिए। जैसे जितने भी अंग हो या फिर उत्तक हो या फिर कोशिका हो, याद रखिएगा क्या क्या हम बोल रहे हैं, कि जितने भी अंग हो या फिर उत्तक हो या फिर कोशिका हो, जितने भी अंग हो या उत्तक हो या फिर कोशिका हो, इसमें जो है ना, ये सभी के सभी द्विगुणित होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे, द्विगुणित होंगे। और जितने भी युग्मक होंगे, याद रखिएगा, जितने भी युग्मक होंगे, अब युग्मक में मुख्य रूप से आपसे कौन कौन पूछेगा, युग्मक में हो जाएगा एक आपका स्पर्म और एक हो जाएगा ओफा, और इसी तरह से अगर हम बात कर लें पौधे में तो आपको हो जाएगा, पौधे में एक हो जाएगा अंड कोशिका और एक हो जाएगा परागकण। तो ये स्पर्म ओवा और अंड कोशिका और परागकण ये हमेशा आपका क्या कहलाएगा, युग्मक कहलाएगा, और ये युग्मक जो होगा ये क्या होगा, अगुणित होगा। तो इस ट्रिक को पहले समझ लीजिए, अगर ये थ्योरी आपको समझ में आता है तो फिर हम लोग इसका आंसर आसानी से कर लेंगे। क्या क्या सीखे, कि जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो उसे हम बोलेंगे अगुणित। अब जैसे जितने भी युग्मक होंगे, जैसे स्पर्म हो गया, ओवा हो गया,
प्रागकण हो गया या फिर अंड कोशिका हो गया, ये सबके सब कहलाएंगे अगुणित। सबके सब क्या कहलाएंगे? अगुणित। लेकिन जितने भी अंग हैं, उत्तक है और कोशिका है, यानी जिस खास करके लैंगिक प्रजनन वाला जो जीव है, अगर पूरा का पूरा जीव है तो उसको वो हमारा हो जाएगा द्विगुणित। तो आप इस आधार पे इसमें से चूज कीजिए कि कौन सा अगुणित है और कौन सा आपका इसमें द्विगुणित है। जैसे अगर हम बात करें अंडाशय की, तो अंडाशय क्या हो जाएगा भाई? अंग हो जाएगा। अंडाशय क्या हो जाएगा? अंग। तो जब ये अंग हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2N। 2N का मतलब द्विगुणित, 2N का मतलब द्विगुणित। अब फिर यहाँ पर आ गया प्राग कोष, तो प्राग कोष का मतलब जहां पर प्रागकण बनता हो, तो प्राग कोष भी एक प्रकार का अंग है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 2N। लेकिन यहाँ पर क्या, अंड या डिम्ब, अंडा या डिम्ब, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओवा, याद रखिएगा इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओवा, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे? ओवा। तो ओवा एक प्रकार का युग्मक हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि युग्मक का मतलब अगुणित, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा एन। प्रागकण भी एक क्या हो गया? युग्मक हो गया, तो ये भी हमारा हो जाएगा एन। नर युग्मक, ऑटोमेटिक यहाँ पर युग्मक लिखा हुआ, ये भी हो जाएगा एन। लेकिन यहाँ पर है युग्मनज, युग्मनज का मतलब था जायगोट, मतलब स्पर्म और ओभा दोनों का मिलना। तो जब स्पर्म और ओभा दोनों मिल करके इसका मतलब ये कोशिका बना लिया, तो कोशिका मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जब भी कोशिका की बात होगी तो ये हमारा हो जाएगा 2N। ये हमारा क्या हो जाएगा? 2N हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लीजिए इस प्रश्न को। इसमें आपको पूछ रहा है कि नीचे जितने भी शब्द लिखे गए हैं, इन सभी शब्दों में से आपको ये चूज करना है कि इसमें से किसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी है और किसमें क्रोमोसोम की संख्या दुगुनी है। तो जिसमें आधी होगी उसे हम लोग अगुणित बोलेंगे और जिसमें दुगुनी होगी उसे हम लोग द्विगुणित बोलेंगे। तो आधी का मतलब जितने भी युग्मक होंगे उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी, मतलब वो हो जाएगा अगुणित, और जितने भी कोशिका होंगे उसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी पूरी यानी दुगुनी, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विगुणित। तो यहाँ पर अंडाशय क्या है? अंग का नाम है, यानी कोशिका हो गया, तो इसमें हो जाएगा ये द्विगुणित। प्राग कोष भी अंग है, ये हो जाएगा हमारा द्विगुणित। लेकिन अंड या डिम एक प्रकार का युग्मक है और एक मादा युग्मक है, तो ये हमारा हो जाएगा एन। प्रागकण हमारा एक नर युग्मक है, तो ये भी हो जाएगा एन। यहाँ पर चूंकि नर युग्मक लिखा ही है तो ये हो जाएगा एन। लेकिन युग्मनज का मतलब होता है कि स्पर्म और ओभा का आपस में मिलना, तो यहाँ पर दो, मैंने एक स्पर्म मिला एक ओभा मिला, तो दोनों मिल करके बना लिया कोशिका, इसीलिए हमारा ये हो जाएगा 2N। याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा 2N। तो इस तरह से इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दे सकते हैं। और ये इतना VBI है कि आप देखे होंगे कि इससे कई प्रश्न जो है आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हो रहा है और इसके माध्यम से आप कई जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, हमारा जो 12 नंबर वाला प्रश्न है वो ये है, कह रहा है कि वाय निषेचन की व्याख्या कीजिए और इसके नुकसान बताइए। देखिए, वाय निषेचन का मतलब होता है कि जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं वाय निषेचन। हम सबको पता है कि निषेचन दो प्रकार से हो सकते हैं, एक आंतरिक निषेचन होता है और एक बाह्य निषेचन होता है। जब निषेचन की क्रिया जीवों के शरीर के बाहर हो तो उसे हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन, याद रखिएगा उसे हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन। लेकिन जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर हो तो उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक निषेचन। चूंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि बाह्य निषेचन क्या है, तो बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि जब निषेचन की क्रिया जीवों के शरीर के बाहर होती हो तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन। तो ये परिभाषा हो गया। अब इसके एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं मछली हो गया, शैवाल हो गया, कुछ उभयचर प्राणी हो गया, तो जैसे कि मेढक सब आता है इसमें। तो ये सभी में क्या होता है कि जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया, कुछ जलीय और भी प्राणी हो गए, इसमें से जो नर मेढक होता है या जो नर मछली होती है, ये अपने स्पर्म को स्वतः पानी में छोड़ देते हैं, और जो मादा मछली होती है वो अपना ओभा को पानी में छोड़ देती है, और इन केस दोनों अगर आपस में मिल गया तो वहां पर निषेचन की क्रिया हो जाती है। तो इस निषेचन की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन बोलेंगे।
अब यहां पर एक और सवाल आपसे पूछ दिया कि इसके नुकसान क्या है। तो देखिए, वायु निषेचन का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसमें युग्मकों की बर्बादी काफी अधिक होती है। जो वायु निषेचन होता है इसमें युग्मकों की बर्बादी काफी अधिक होती है। जैसे मान लीजिए कि पानी में स्पर्म को छोड़ा गया और पानी में ओवा को छोड़ा गया, ये इन केस बायती वे कभी कभी मिलेगा और लगभग इसका 99% जो युग्मक होता है वो बर्बाद ही चला जाता है। तो बाह्य निषेचन में जो है ना, निषेचन की क्रिया संयोग से ही होती है और इसमें युग्मकों की काफी अधिक बर्बादी होती है। और साथ ही साथ अगर इसके द्वारा जो जायगोट बन जाते हैं या फिर लार्वा बन जाते हैं, तो उस लार्वा का जो है ना, उसका शिकार होने का भी भय काफी अधिक बना होता है। जैसे मान लीजिए कि जो निषेचन की प्रक्रिया माँ के गर्भ में होती है, तो वहां पर माँ का क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने जो भ्रूण है उसके डेवलपमेंट से लेकर के विभिन्न प्रकार के रख रखाव को ध्यान में रखे। लेकिन जो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है उसमें भ्रूण असुरक्षित रहते हैं और उसके नष्ट होने, शिकार होने या बर्बाद होने की संभावनाएं काफी अधिक होती है। तो ये इसका क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ये हम लोग इसका क्या हो गया, नुकसान हो गया। चलिए, हमारा अगला सवाल है उसको देखते हैं। सवाल कह रहा है कि जू एस्पोर, सवाल है हमारा कि जू एस्पोर जो कि अलैंगिक चल विकाणु है तथा युग्मनज के बीच आपको अंतर बताना, यानी एक तरफ आपको समझाना है किसके बारे में, चल बीजाणु के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं जू एस्पोर, जो कि एक लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है। और दूसरे तरफ आपको बताना है जायगोट, जिसका मतलब होता है स्पर्म और ओवा के मिलने के बाद जो कोशिकाएं तैयार होती है, इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं जायगोट। तो इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, चल बीजाणु में पहला पॉइंट ये होगा कि इसका निर्माण अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जू स्पोर होते हैं इसका निर्माण किसके द्वारा होता है जी, अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। और इसमें एक जनक ही भाग लेते हैं, याद रखिएगा, इसमें केवल और केवल एक जनक ही भाग लेते हैं। तो यानी हमारा चल बीजाणु का पहला पॉइंट क्या हो गया कि चल बीजाणु एक अलैंगिक प्रजनन है और इसमें केवल और केवल एक जनक भाग लेते हैं, इसमें केवल और केवल एक जनक भाग लेते हैं। जबकि हमारा जो ये जायगोट है ये एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, और इसके जस्ट विपरीत इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, मतलब इधर जो आ रहा है इसी का जब हम विपरीत कर देंगे तो हमारा युग्मनज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चल बीजाणु था इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ, और लैंगिक प्रजनन के द्वारा हुआ। तो इसका निर्माण क्या हो गया, लैंगिक प्रजनन के द्वारा हो गया। इसमें केवल और केवल एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति हुई और इसमें क्या है कि दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता हुई, जिसमें एक मेल और दूसरा फीमेल होगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, चल बीजाणु सामान्यतः शैवाल में बनते हैं। चल बीजाणु हमेशा किसमें बनेंगे, शैवाल में बनेंगे। लेकिन जब युग्मनज का निर्माण होगा इसके लिए एक नर और दूसरा मादा की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें एक नर और मादा की जरूरत पड़ेगी और इसमें जो है ना, चल बीजाणु का निर्माण किसमें होगा, शैवाल में होगा। तो दूसरा हमारा डिफरेंट यहाँ पर ये आ गया कि चल बीजाणु जो होगा वो कहाँ बनेगा, शैवाल के माध्यम से बनेगा। लेकिन जायगोट का निर्माण के लिए एक मेल और दूसरा फीमेल की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा बात ये होगा कि चल बीजाणु जो होगा इसमें समसूत्री विभाजन होगी। याद रखिएगा, जो चल बीजाणु होगा इसमें कैसा विभाजन, समसूत्री विभाजन होगी। लेकिन जो जायगोट निर्माण की प्रक्रिया होगी ये अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप होगा। याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। चौथा पॉइंट, चल बीजाणु जो होगा वो अगुणित होगा। चल बीजाणु जो होगा, सॉरी, वो क्या होगा, अगुणित होगा। क्योंकि इसमें क्या होगा कि चल बीजाणु, याद रखिएगा, ये हमेशा क्या होगा, अगुणित होगा, मतलब इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी। लेकिन हमारा जो जायगोट है, चूंकि इसमें स्पर्म और ओवा दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब इसकी तुलना में यहाँ पर क्रोमोसोम दुगुना हो जाएगा, इसलिए हमेशा द्विगुणित होगा, यानी 2n होगा, द्विगुणित होगा यानी 2n होगा। तो
तो कुल मिलाकर के मैंने आपको चार पॉइंट बताया और चार अंतर बताया। तो इस चार अंतर को आप लिख सकते हैं किसके किसके, चल बीजाणु और युग्मनज के बीच। मैं फिर से एक बार इसको डिस्कशन करा दे रहा हूं। चल बीजाणु क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा, जबकि युग्मनज क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। अगली बात, जो चल बीजाणु होगा इसमें केवल और केवल एक जनक भाग लेंगे, लेकिन मतलब युग्मनज के निर्माण में एक नर और एक मादा की आवश्यकता होगी। जो चल बीजाणु होंगे ये हमेशा शैवाल में बनेंगे, लेकिन युग्मनज का निर्माण जो है इसके लिए नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होगी। चल बीजाणु जो होगा ये इसमें हमेशा समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी, लेकिन युग्मनज के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होगी। चल बीजाणु जो होगा वो अगुणित होगा, जबकि वह चल बीजाणु जो सॉरी युग्मनज जो होगा वो क्या हो जाएगा जी, आपका द्विगुणित हो जाएगा। तो ये चार पॉइंट को आपको मुख्य रूप से याद रखना है, किसके किसके बीच, चल बीजाणु और युग्मनज के बीच अंतर के रूप में। चलिए हमारा अगला सवाल है, इसको देख ले रहे हैं। देखिए अगला हमारा सवाल है कि युग्मक जनन एवं भूर्णो उद्भव के बीच अंतर बताइए। तो देखिए युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मक के बनने की प्रक्रिया को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं, और भूर्णो उद्भव का मतलब होता है कि भूर्ण के विकास की प्रक्रिया को हम लोग भूर्णो उद्भव कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एक को युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे और भूर्णो उद्भव को हम लोग एम्ब्रायो जेनेसिस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस के बीच में कुछ अंतर बताइए, तो यहाँ पर क्या क्या अंतर होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ, पहला पॉइंट है युग्मक जनन नर तथा मादा में अगुणित युग्मक के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यानी यहाँ पर सीधे सीधे पहला जो पॉइंट है वो हम इसका परिभाषा लिख दिया। परिभाषा क्या होगा कि नर तथा मादा, यानी नर तथा मादा का जो जननांग होता है, इस जननांग में जैसे अगर कोई मादा है तो मादा जननांग में और कोई नर है तो नर जननांग में, यहां पर युग्मक के बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं युग्मक जनन। जैसे मान लीजिए कि मेल के टेस्टिस में स्पर्म का बनना और फीमेल के ओवरी में ओभा का बनना, ये हमारा कहलाएगा युग्मक जनन। क्या कहलाएगा, मनुष्य में युग्मक जनन। तो यही दूसरी तरफ अगर भ्रूण उद्भव की बात करेंगे तो जायगोट का भ्रूण बनना और उस भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे भ्रूण उद्भव। जैसे मान लीजिए कि कोई महिला प्रेग्नेंट हुई और उसके प्रेगनेंसी से लेकर के 9 महीने तक माँ के गर्भ में जो बच्चा का डेवलपमेंट होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं भ्रूण उद्भव। यानी आसान भाषा में इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं भ्रूण उद्भव, यानी भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण उद्भव। तो हमारा जो यहाँ पर पहला पॉइंट है ये दोनों का परिभाषा, क्या क्या परिभाषा है, युग्मक जनन तो युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, और दूसरा है भ्रूण भ्रूण उद्भव, तो भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं भ्रूण उद्भव, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं भ्रूण उद्भव। तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या है इसको देखते हैं, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, याद रखिएगा युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, लेकिन जब युग्मक आपस में मिल जाएगा तो ये दुगुणित हो जाएगा। युग्मक हमेशा अगुणित होगा लेकिन जब ये युग्मक आपस में मिल जाएगा तो ये हो जाएगा द्विगुणित, लेकिन भूर्ण हमेशा द्विगुणित ही होगा। भूर्ण हमेशा क्या होगा, द्विगुणित होगा, याद रखिएगा भूर्ण हमेशा क्या होगा, द्विगुणित ही होगा। लेकिन युग्मक क्या है कि जब युग्मक अलग अलग है तो वो अगुणित है, लेकिन जब ये दोनों युग्मक आपस में मिल जाए तो द्विगुणित हो जाएगा, लेकिन भूर्ण जो है वो हमेशा द्विगुणित होता है, चूंकि भूर्ण में ऑलरेडी क्या है कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिला हुआ, तो जब मिला हुआ तो ऑलरेडी ये द्विगुणित होगा। लेकिन युग्मक जो होता है अगर अलग अलग है तो अगुणित है, अगर एक साथ मिल गया तो ये हमारा हो जाएगा द्विगुणित हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। चलिए तीसरा नंबर है कि युग्मक एक कोशिकीय होता है, याद रखिएगा युग्मक जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, युग्मक हमेशा एक कोशिकीय होता, मतलब युग्मक में केवल और केवल एक कोशिका पाई जाती है, जबकि इसके विपरीत भ्रूण जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है, याद रखिएगा भ्रूण क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं आपस में
मिल जाती है और मिलने के बाद भ्रूण का निर्माण करता है। तो याद रखिए, जो युग्मक होता है वो एक कोशिकीय होता है, लेकिन भ्रूण जो होता है वो हमारा क्या होता है, बहु कोशिकीय होता है। चौथा नंबर, युग्मक जनन में दो प्रकार के होते हैं। युग्मक जनन जो है वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन बोलेंगे और ओवा के बनने की प्रक्रिया को हम लोग अंड जेनेसिस करेंगे। एक को अंग्रेजी में स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे और दूसरे को हम लोग ओजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए कि युग्मक जनन जो है ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के होंगे। मैंने आपको थ्योरी में बताया होगा कि युग्मक जनन जो है कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला शुक्राणु जनन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। और दूसरा होगा अंड जनन, यानी ओवा के बनने की प्रक्रिया को हम लोग अंड जनन, या फिर इसको हम लोग ओजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इधर देखिए कि इसमें कोशिका विभाजन व विभेदन शामिल होता ही नहीं। मतलब इसमें भ्रूण जब एक बार बन जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका डेवलपमेंट होता है, उसमें विभाजन नहीं होता। तो याद रखिएगा कि इसमें चार पॉइंट मैंने बताया युग्मक जनन में और चार पॉइंट मैंने बताया भ्रूणोद्भव। तो इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा जो अगला सवाल है उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि एक पुष्प में, याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुष्प में निषेचन पश्य, पश्य का मतलब होता है बाद, याद रखो पश्य का मतलब होता है बाद, क्या क्या परिवर्तन होता है। जैसे एक कोई पुष्प है, आप पुष्प में निषेचन के बाद क्या क्या होता है, तो सबसे पहले क्या है कि अंड कोशिका और परागकण, परागकण ये आपस में मिला और इसके मिलने से यहां पर हो गया निषेचन। इसके मिलने से यहां पर क्या हो गया, निषेचन। अब ये तो निषेचन हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निषेचन के बाद, मतलब इसके बाद जो है पुष्प में क्या क्या होता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ग्राफ पे। सीखिए, देखिए यहाँ, निषेचन के बाद अंड कोशिका और परागकण ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं जायगोट। क्या बना लेते हैं? जायगोट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज याद रखिएगा कि निषेचन की क्रिया के बाद क्या होता है, तो निषेचन की क्रिया के बाद अंड कोशिका और परागकण आपस में मिलकर बना लेते हैं जायगोट, जिसको बोलते हैं हिंदी में युग्मनज। ये जायगोट धीरे धीरे बना लेता है इम्ब्रायो, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं? भ्रूण। और ये भ्रूण जो है फिर अब जब अगला स्टेज में पहुंचता है तो ये बना लेता है सीड, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीज। और जब इस सीड में क्या होता है, अंकुरण होता है, इस बीज में अंकुरण होता है, तो इससे जो हमारा न्यू प्लांट बनता है, इससे हमारा क्या बनता है, न्यू प्लांट बनता है। तो यही प्रोसेस हो गया। तो जब भी अगर आपसे ये सवाल पूछे कि एक पुष्प में निषेचन की क्रिया के बाद क्या क्या होता है, तो एक पुष्प में निषेचन की क्रिया के बाद अंड कोशिका और परागकण आपस में मिलकर जायगोट बना लेते हैं, जायगोट से इम्ब्रायो बनता है, इम्ब्रायो से सीड बनता है, और सीड जब अंकुरित होता है उससे नए प्लांट की उत्पत्ति होती है, उससे नए प्लांट की उत्पत्ति होती है। तो ये हमारा बड़ा काफी आसान प्रश्न था और उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ के होंगे। चलिए, हमारा अगला सवाल देख ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विलिंगी पुष्प क्या है। देखिए इसको समझ, कह रहा है एक द्विलिंगी पुष्प क्या है। तो जब भी आपको पूछे कि एक द्विलिंगी पुष्प क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वैसा पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में पाया जाता हो, तो इस प्रकार के पुष्प को हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। अर्थात जिस पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेश्वर दोनों एक ही फूल में पाया जाता हो, तो इस प्रकार के पुष्प को हम लोग बोलेंगे द्विलिंगी पुष्प। क्या बोलेंगे? द्विलिंगी पुष्प। तो यहां तक तो आप समझ गए। कह रहा कि अपने आस पास से पांच द्विलिंगी पुष्प को एकत्रित कीजिए, जहां आप रह रहे हो उसके आस पास से पांच द्विलिंगी पुष्प को आपको एकत्रित करना, और अपने शिक्षक की सहायता से इनके समान स्थान या मतलब जो उसका लोकल नाम है वो, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसके बारे में पता कीजिए। तो मैंने आपको अभी तुरंत बता दिया कि
द्विलिंगी पुष्प वैसे पुष्प होते हैं जिसमें एक ही पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेश्वर दोनों जननांग मौजूद हो, तो इस प्रकार के पुष्प को हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। रहा बात कि आप शिक्षक से पांच ऐसे पुष्प को चूज करना है जिसके कि लोकल नाम, जो उसका जो लोकल नेम है उसको बताना, और उसका जो साइंटिफिक नेम है इसको बताना। तो आपके बोर्ड पे पांच ऐसे पुष्प हैं, जैसे मान लो कि पहला पुष्प है सरसों, जो कि आजकल आपके आसपास के क्षेत्र में मिलेगा ही, क्योंकि अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो सबसे ज्यादा अगर आप खेत में जाएंगे तो आपको सरसों का ही पौधा मिलेगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका कैम्पोस एस्ट्रिस होता है, ब्रेसिका कैम्पो एस्ट्रिस होता है, याद रखिए। दूसरा, उसी खेत में आपको मूली भी मिल जाएगा, जो कि अभी इसका भी सीजन है, जिसका कि हम लोग, ये भी एक प्रकार का द्विलिंगी पुष्प है, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेफेनस एस्टाइवस, रेफेनस एस्टाइवस। इसी खेत में आपको मटर भी मिल जाएगा, अभी आप लोग बाजार से इसको खरीदते भी होंगे। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। सेम भी अभी मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको फरवरी में ही जो जो उत्पादन हो रहा है वो सभी पुष्प लिख रहे हैं, ताकि आप भी आसपास में इसको एकत्रित कर सकते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा डॉली कोस लवलव, डॉली कोस लवलव। पांचवा जो है क्या है, अमलतास। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा केसिया, क्या है, पिस्टूला, केसिया पिस्टूला। क्योंकि पांचे नाम पूछ रहा है, पांच नाम यहाँ पर हो गया, अगर एक आधा भूल गए तो गुड़हल को भी ले सकते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है हिबिकस रोजा साइनेसिस, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो चूंकि एक प्रैक्टिकल का चीज है, और आप लोग कल जो है ना ये सब पुष्प को खोज खोज करके क्लास में लाइए, और हम आपसे अलग अलग छात्रों से इसका वैज्ञानिक नाम जो है पूछेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपका जो ऑफलाइन क्लास है वो भी चलता है, और ऑफलाइन क्लास का जो समय है वो 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10 है। और इसके बाद जो बैकअप क्लास होता है, इसके लिए मैं ऑनलाइन क्लास भी दे रहा हूँ। तो जो व्यक्ति हमारे कोचिंग संस्थान के आसपास रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जुड़े हमारे साथ, हमारे ऑफलाइन क्लास के साथ। हमारा जो ऑफलाइन क्लास होगा वो हमारा 7 से 8 है, 8 से 9 है और 9 से 10 है। ये हमारा जो है मॉर्निंग समय में है, इवनिंग में भी मैं 12 बायोलॉजी का कुछ बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, और अगर आप इच्छुक हैं तो आप इवनिंग या नाइट क्लास भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। 17 नंबर सवाल है कि किसी कुकुरबिट, यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए और पुंकेश्वर व स्त्री केसर पुष्प को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप अन्य एक लिंगी पौधों का नाम जानते हैं? तो देखिए, ये तो एक प्रैक्टिकल वाला प्रश्न हो गया, इसको मैं वैसे समझाने से कह रहा, किसी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए। अब जांच करने के बाद कह रहा कि इसमें से पुंकेश्वर व स्त्री केसर को पहचान करना। तो देखिए, जब तो ये पुष्प नहीं रहेगा तब तक हम लोग इसके स्त्री केसर और पुंकेश्वर की जांच कर ही नहीं सकते हैं। तो जिन जिन व्यक्ति को लगेगा कि सर इसको कैसे समझना है, तो आप कुकुरबिट पादप को क्लास में लेते आइएगा, उसका पुष्प लेते आइएगा। उस पुष्प में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा इसमें स्त्री केसर और कौन सा इसमें पुंकेश्वर है। मैं इसे आपको सिंपली बता दूं, जो मेरे पास नहीं आ पाते पाएंगे कभी, तो उस पुष्प का जो बीच वाला एक जो भाग होगा ना, पुष्प के जस्ट बीचों बीच, वो स्त्री केसर होगा, और उसके बगल बगल में जो छोटी छोटी डंठल जैसी संरचना होगी वो पुंकेश्वर होगा। और जो व्यक्ति हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे आप रोज मिलते हैं, तो आप निश्चित रूप से कुकुरबीट प्लांट के कुछ पुष्प को लेकर आइए, मैं आपको उसमें से उसका स्त्री केसर और पुंकेश्वर के बारे में बता दूंगा। अब रहा बात कि कह रहा कि कुछ एक लिंगी पौधे का नाम बताइए, तो मैंने आपको बताया कि जिसमें पुंकेश्वर या स्त्री केसर में से करा किसी एक, मतलब क्या अन्य एक लिंगी पौधे का नाम बताइए। तो बहुत सारे आपको एक लिंगी पौधे हैं जिसमें केवल और केवल एक जननांग पाया जाता है, जैसे पपीता हो गया, नारियल हो गया, ये सभी के सभी आपके एक लिंगी पौधे हैं जिसमें केवल और केवल या तो स्त्री केसर पाया जाएगा या फिर पुंकेश्वर पाया जाएगा, दोनों में से कोई एक जननांग पाया जाएगा जिसको हम लोग
एकलिंगी पौधा के नाम से जानते हैं। चूंकि ये प्रैक्टिकल वाला प्रश्न था इसलिए इसमें हम लोग विशेष डिस्कशन अब नहीं करेंगे। हमारा जो अगला सवाल है और इस आपके एनसीईआरटी का अंतिम प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे रहा, इसको आप समझे। देखिए सवाल कह रहा कि अंड परजक प्राणियों की संतान का उत्तर जीवन सजीव परजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम होता है क्यों? देखिए भ्रूण उद्भव के आधार पर आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जीवों को हम लोग दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक हो जाता है सजीव परजक और एक हो जाता है अंड परजक। सजीव परजक का मतलब होता है कि जिन भ्रूण का विकास माँ के गर्भ में होता है उसे हम लोग सजीव परजक कहते हैं, और जिन भ्रूण का विकास अंडा के कवच में होता है उसे हम लोग अंड परजक कहते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि भ्रूण के विकास के आधार पर जीव की दो कैटेगरी होती है, एक सजीव परजक होती है और दूसरा अंड परजक होती है। लेकिन यहाँ पर आपका सवाल ये पूछा गया है कि जो अंडा वाला प्राणी है उसमें अधिक जोखिम होता है किसके तुलना में, जो सजीव परजक जो प्राणी होते हैं उसकी तुलना। ये तो अपना सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिन भ्रूण का विकास माँ के गर्भ में होगा वो अधिक सुरक्षित होगा, क्योंकि उन भ्रूण का विकास के साथ साथ उसकी सुरक्षा का भी दायित्व माँ को माँ की होगी। जैसे मान लो कि हम लोग सजीव परजक प्राणी हैं तो हम लोग 9 महीने तक माँ के गर्भ में डेवलप करते हैं, तो जब माँ के गर्भ में डेवलप करते हैं तो हमारा विकास के साथ साथ माँ हमारी सुरक्षा की भी गारंटी लेती है, तो हम लोग में क्या होता है जोखिम कम है। लेकिन जो अंड परजक प्राणी है उसमें भ्रूण का विकास क्या होता है कि माँ के गर्भ से बाहर होता है किसी अंडा में होता है, तो अब अंडा के टूटने फूटने या फिर शिकारियों के हाथ लग जाने की संभावनाएं काफी अधिक होती है। जैसे मुर्गी, मुर्गी में क्या हम लोग अंडा खाना शुरू कर दिए, क्यों खाना शुरू कर दिए, चूंकि मुर्गी का जो अंडा होता है वो गर्भ के बाहर होता है और हम लोग क्या करते हैं उसके अंडा को चुरा करके खा लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माँ के गर्भ में डेवलप कर रहा जीव होता है उसका सुरक्षा ज्यादा होता है, और जो अंडा में डेवलप कर रहा होता है उसकी सुरक्षा कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि माँ के गर्भ में जो बच्चे डेवलप कर रहे होते हैं, जो भ्रूण डेवलप हो रहे हैं उसकी पूरी जिम्मेवारी माँ की होती है, और कोई व्यक्ति अगर उसको डिस्टर्ब भी करना चाहे तो माँ के गर्भ के अंदर उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। लेकिन जो अंड परजक प्राणी होते हैं उसके टूटने फूटने नष्ट होने खोने या फिर शिकार हो जाने का भय जो है हमेशा बना रहता है। हम कह सकते हैं कि अंड परजक प्राणियों की तुलना में अंड परजक प्राणियों का जोखिम भरा जीवन होता है किसकी तुलना में, सजीव परजक जीवों की तुलना में। और इस प्रकार आपका जो पहला अध्याय था जीवों में जनन, उसका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी समाप्त होता है। मैं आपको इस पूरे चैप्टर का 3 अलग-अलग भाग में अध्ययन किया है, इसमें मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव डिस्कशन भी किया है और इसका मैंने एनसीईआरटी भी डिस्कशन किया है, और इस पूरे चैप्टर का जो थ्योरी है उसका भी वीडियो हम आप लोग के लिए लाए। तो आप जो है अगर जिन व्यक्तियों को सभी वीडियो खोजने में समस्याएं हो रही है तो निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में आपको थ्योरी का वीडियो, ऑब्जेक्टिव का वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन का भी वीडियो मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद।